हेलो सभी को जय एम सी की। एक बार आप पूरा ये वीडियो देखें, फिर हम बात करते हैं कि ऐसे चमत्कार करना, मिरेकल्स करना सही है या गलत है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे मिरेकल्स किए हैं, या हमें ऐसे मिरेकल्स करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। దేవుని యొక్క శక్తి దిగొచ్చింది. కమ్ ఆన్, హీలింగ్ స్టార్ట్ అయింది, హీలింగ్ స్టార్ట్ అయింది. హరే కమా సుష్ ఉష్ 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 యస్ యస్ గ్లోరీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఏంజెల్ తాకుతున్నాడు. ఓ ఓ ఓ, నీ స్టమక్ కదులుతుంది. ఓ కెమెరా తీసుకో. ఓ ఓ ఓ, చూడండి ఇక్కడ. చూడండి, మీ కళ్ళ ముందే చూడండి, మీరు ఏ దేశంలో చూస్తున్నా దేవుని యొక్క దూతలు దాక్తున్నారు. చూడండి మహిమ, గ్లోరీ చూడండి. మీ చేతులు షేక్ అయిపోతున్నాయి, మీ చేతులు షేక్ అయిపోతున్నాయి. Yes, in the name of Jesus, in the name of Jesus, anointing release చేస్తున్నా, anointing release చేస్తున్నా. Glory, 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 पकड़ा गया, अरे बाबा बाबा बाबा, सुंदर को, अरे बीबी, कट, कहता हूँ तुम्हें
पकड़ा गया जो तो उस घर में दुष्ट आत्मा, जो उस घर में परेशानियां बीमारियां लाते ना, निकल जाए इसकी बॉडी से बाहर। चल छोड़ दे छोड़ेगा अकेले दर्शन हो गए आया। अरे बाबा यारो चल फिर से यार, तू सब कर नहीं बैठेगा, जा तो मैं जाने नहीं दूंगा। यदि मैं उसके कपड़े को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। कपड़े को छू ले खुदा का फजल है, तू ठहर नहीं सकेगा अपने पैरों पर, तू पैरों पर ठहर नहीं सकेगा। छूले पकड़ ले शैतान, जो उसके परिवार में जो उस लड़की का रिश्ता नहीं होने दे रहा मेरी बहन का, छोड़ दे इसके परिवार को, छोड़ दे इसकी जिंदगी को, छोड़ दे छोड़ दे सामर्थ के द्वारा। तत् तत् होली गोस्ट फायर ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਏ।
मुझे तो बगैर नियो मुक्ती बिदा सारे पापा तो रिहाई ए मुझे तो बगैर नियो मुक्ती देंदा सारे रोगा तो रिहाई ये सामर्थ्य है सामर्थ्य मुझे तो बगैर नियो मुक्ती क्या ये देंदा सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय एमसी की। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि प्रभु यीशु का नाम कैसे हम सब लोग प्रभु यीशु के नाम की बदनामी कर रहे हैं, चाहे कैसे भी लगा लीजिए, वचन है कि प्रभु यीशु का नाम बेफायदा नहीं लेना। बाइबल में वचन है कि अगर कोई पवित्र आत्मा की बेअदबी भी करता है या पवित्र आत्मा का मजाक बनाता है तो उसे कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। बाकी पाप माफ़ हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई पवित्र आत्मा की बेइज्जती करता है, उसका मखौल बनाता है, तो उसे कभी भी प्रभु यीशु मसीह माफ़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हम प्रभु यीशु की शिक्षाओं पर चलते हैं, बाइबल की शिक्षाओं पर चलते हैं, या हम अपनी ही नई शिक्षाएं बना रहे हैं। एक सच्चा मसीह तभी हम मान सकते हैं या बन सकते हैं अगर हम प्रभु यीशु मसीह के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके स्वभाव को, उनकी शिक्षाओं को अपनी ज़िंदगी में, अपने चाल चलन में, अपनी लाइफ में उनको फॉलो करते हैं, उन पे चलते हैं। अगर हम उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं, अपनी ज़िंदगी को उनकी शिक्षाओं पर चलाते हैं, बाइबल वचनों पर हम अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं, तभी हम एक सही क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन होना ये बात नहीं है कि हमने बपतिस्मा ले लिया और हम क्रिश्चियन बन गए बस। अगर हम सही क्रिश्चियन बनना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलना पड़ेगा, बाइबल वचन की शिक्षाओं पर चलना पड़ेगा, बाइबल वचनों पर चलना पड़ेगा हमें। तो आजकल हम देखते हैं बहुत सारे पास्टर जो हैं चमत्कार कर रहे हैं बड़े बड़े, तो मैं बोलता हूँ अच्छी बात है चमत्कार करना, प्रभु यीशु के नाम पर चमत्कार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम उन चमत्कारों की वजह से प्रभु यीशु मसीह का मखौल बना रहे हैं, पवित्र आत्मा का मजाक बना रहे हैं लोगों में, संसार में, हमारे इंडिया में, पंजाब में प्रभु यीशु मसीह के नाम की बदनामी कर रहे हैं? क्या हम पाप कर रहे हैं? बहुत सारे पास्टर क्या करते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं, कोई अपने जैकेट से, ब्लेजर से लोगों को ठीक कर रहा है, कोई प्रसाद बनाकर लोगों को खिला रहा है, चंगा कर रहा है, कोई बोल रहा है मेरे जूते की तरफ देख, हे शैतान मेरे जूते की तरफ देख, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से तुझे भगाता हूँ, ये है वो है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने जब वो प्रचार करते थे, जब लोगों को ठीक करते थे, जब दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, तो क्या उन्होंने ऐसे कुछ किया था, जब उन्होंने ऐसा कुछ घमंड दिखाया था? वो तो प्रभु यीशु थे, परमेश्वर के पुत्र थे। तो आजकल के क्या पास्टर क्या घमंड कर रहे हैं अपने आप में? वो बोलते हैं कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दूर से हवा मार रहा है, फूंक मार के लोगों को घेर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो ये पखंडवाद तो हम खुद कर कर हम परमेश्वर के नाम की बदनामी कर रहे हैं, हम परमेश्वर के नाम को बदनाम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का मजाक बना रहे हैं। क्या हम प्रभु, क्या हमें प्रभु यीशु मसीह माफ़ करेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को कैसा ठीक किया? उन्होंने उसकी आँखों पर हाथ रखा, अंधे को ठीक किया। अगर कोई बीमारी उनके बीमार लोग उनके पास आते थे, उनके सर पर हाथ रख कर प्रार्थना करते थे, या दूर से खड़कर प्रार्थना करते थे वो, तो वो चंगे हो जाते थे। क्या ये सब
जो आजकल हम करते हैं, फूंक मार के लोगों को फेंकना, हाथ मार के लोगों को फेंकना, या कोई कोट से अपने ब्लेजर से लोगों को ठीक कर रहा है, कोई खाना खिलाकर लोगों को चंगा कर रहा है, क्या ये सब बातें सही हैं? फिर लोग उन वीडियो को वायरल कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब प्रभु यीशु मसीह का मजाक ना बनाएं, हम उनकी शिक्षाओं पर चलें। जैसे वो चलते थे, जैसे वो प्रेयर करते थे, लोगों को ठीक करते थे, हम भी वैसे ही सिंपल प्रेयर करें लोगों के ऊपर, तो ठीक तो तब भी हो जाएंगे अगर हम सिंपल प्रेयर करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ये क्या करेंगे, हम थोड़ा ढोंगबाजी करेंगे तो क्या ज़्यादा ठीक हो जाएंगे वो। बहुत सारे लोगों ने तो परमेश्वर के नाम को बिजनेस बना रखा है। मैं बहुत सारे पास्टरों का आदर सत्कार करता हूँ जो सही हैं, जो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बट कुछ पास्टर्स क्या हैं, वो हमें व्यू अच्छे मिलेंगे, यूट्यूब पे हमें अर्निंग होगी, लोगों को क्या है, पहले ट्रेनिंग दे देते हैं, फिर वो सब दिखावा करते हैं, उनकी वजह से क्रिश्चियनिटी बदनाम हो रही है। तो आज की वीडियो में मैं यही बात करना चाह रहा था कि लोगों आप भी पहचानो, बाइबल में वचन लिखा हुआ है कि बहुत सारे झूठे मसीह उठ खड़े होंगे जो बोलेंगे मैं सच्चा मसीह हूँ, परमेश्वर के नाम में बड़े बड़े चमत्कारों के दिखावे करेंगे। बट आपने पहचानना है, बाइबल को पढ़ना है आपने। अगर आपको बाइबल के बारे में जानकारी होगी, नॉलेज होगी, आपने बाइबल पढ़ा होगा, तो आप इन चीज़ों को पहचान सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो आज की वीडियो में यही बात करनी थी मैंने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप अपने सुझाव या आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब मत करिए। बट ये जो मैंने बातें कही हैं, तो मैं किसी पे दोष नहीं लगाना चाहता, बट जिनको पता है कि वो करते हैं तो खुद ही उन्होंने जानना चाहिए और परमेश्वर के वचनों पर चलना चाहिए। परमेश्वर का डर सभी को होना चाहिए। आज की वीडियो में बस मैं इतना ही बोलूँगा। सभी भाइयों को जय मसीह की। थैंक यू।